वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एरिया अंडर द कर्व, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप विद इन 5 to 10 सेकेंड कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। मेंस यहाँ पर बिल्कुल भी हम कंसेप्ट की बात नहीं करने वाले हैं, केवल और केवल हम आपको सिखाने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। बिना पेन को आप उठाए, बिना पेन से सॉल्व किए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट आप रेडी हो जाइए, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब कभी भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए तो सबसे पहले आपको जो है ये वीडियो मिल पाए, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप देखेंगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एरिया अंडर द कर्व के, तो कम से कम हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो 5 to 6 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखते इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपका आएगा विद इन 5 to 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड है, 5 सेकंड में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग इसका जवाब। तो स्टूडेंट देखिए, कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए है ना, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम। एक बात मैं और आपको बता दूं कि चाहे पैराबोला y² = 4ax हो, चाहे पैराबोला x² = 4ay हो, उस हर एक के लिए अगर उसके लैटिस रेक्टम के बीच का एरिया निकालना होगा तो उसका आंसर होगा 8a² / 3² यूनिट, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस। क्या है ये, आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग बात करेंगे कि पैराबोला कुछ भी हो, चाहे वो y² = 4ax हो, चाहे पैराबोला, आप यहाँ पे ये भी देखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस बात को कि पैराबोला चाहे x² = 4ay आए, दोनों ही केस में केवल और केवल आप रख लीजिए कि इसका आंसर आने वाला है 8/3a². तो समझ में आ रहा है कि 8/3a क्या है, अंडरस्टूड है उसकी मीनिंग। अच्छा, एक बात और आपकी जानकारी के लिए, यहां पर स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का यूज किया गया, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी आपको जनरल पैराबोला नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, पैराबोला चाहे अपवर्ड ओपनिंग का हो, चाहे पैराबोला राइटवर्ड ओपनिंग का हो, चाहे पैराबोला डाउनवर्ड हो, चाहे लेफ्टवर्ड हो, हर एक पैराबोला के लिए आंसर आप जवाब कितना देंगे कि इसका जो एरिया आने वाला है कितना आने वाला है, 8a² / 3 यूनिट है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहेंगे कि सर एग्जांपल से बताइए, एग्जांपल है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 8x एंड इट्स LR, LR मींस लैटिस रेक्टम, एज कितना है ये 32/3 स्क्वायर यूनिट। कैसे आया होगा ये, तो कंपेयर आपने किया होगा कि सर y² = 4ax से अगर कंपेयर करेंगे और इसके जगह तो ये लिखा हुआ है y² = 8x, मींस 4a के जगह है 8a, 8 है तो 4a, अगर 8 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गया, a = आ गया है 2, और आपको जवाब हर बार कितना देना है 8/3a², तो एरिया a = 8/3 × a² दैट इज 2 का स्क्वायर कितना हो गया ये 4, तो 8 × 4 = 32 / 3² यूनिट है ना। सोचो स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसका y² = 8x का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, फिर उसका लैटिस रेक्टम लेंगे, देन उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद आप एरिया सॉल्व कर रहे होंगे, फिर उसका डबल कर रहे होंगे क्योंकि ये सिमेट्री है। तो वहां से आंसर सोच लीजिए आप कितना समय लगेगा, 5 to 6 मिनट आप अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए, कोई बहुत फास्ट सॉल्व करेगा तो भी उसको 3 से 4 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कितनी देर लगा, बस फार्मूला याद हो गया तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, आपको और हम लोग जो है लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एरिया अंडर द कर्व के लिए, तो वीडियो को आप वॉच करिए, लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।